आज मैं खीर बना रही हूँ। उसके लिए पहले तो हमें चावल चाहिए। ये आप राजभोग चावल ले सकते हैं या फिर बासमती के टुकड़े राइस ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने 1/8 कप लिया है। दूध चाहिए 2 कप्स और चीनी हमें 1/3 कप से थोड़ा कम चाहिए। हमें ड्राई फ्रूट्स चाहिए 1/2 मुट्ठी भर, 2 छोटी इलायची चाहिए, 1 तेज पत्ता और 1 स्पून घी चाहिए हमें तड़का लगाने के लिए। यहाँ पे मुझे 2 कप दूध एक साइड पे उबालना है। दूसरे साइड पे मैंने ये कुकर चढ़ाया है। कुकर में ये जो 1/8 कप चावल था उसको मैंने धो के रखा है, उसको इसमें 4 गुना पानी मिला के उसको 4 से 6 तक सीटी देना है। चावल पूरा अच्छे से पक गया है। अभी हमें मैशर लेके चावल को हाफ मैश कर देंगे ताकि ये पूरे दाने दाने नहीं लगे। खीर को थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए ये हमें हेल्प करेगा। दूध हमने 2 कप लिया था, उसको थिक बनाने के लिए हमने लगभग 1.5 कप बनाया है इसको उबाल के। अभी हम इस पे बॉइल्ड और मैश किए हुए चावल डाल देंगे। इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसको ऐसे ही थोड़ी देर उबलने देंगे। हमें खीर की कंसिस्टेंसी जैसी ही चाहिए, हमें जैसा पसंद है उसे। बस 2 मिनट पहले ही हमें चीनी मिलाना है। मुझे खीर की थोड़ी पतली कंसिस्टेंसी पसंद है, इसलिए मैं इसको 2 मिनट तक अभी ऐसे उबालूंगी, उसके बाद इसमें चीनी डालूंगी। हमारे खीर लगभग हो चुकी है। अभी मैं चीनी डालने वाली हूँ। यहाँ पे 1/3 कप से थोड़ा कम चीनी रखा था, उसको मैं यहाँ पे डाल देती हूँ को अच्छे से मिलाने के लिए। गैस को कम करके चीनी को अच्छे से मिला लेती हूँ ताकि खीर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा ठीक ना बन जाए। 1 तेज पत्ते को मैंने काट लिया है, उसको अभी इसमें डालेंगे तो हल्की सी तेज पत्ते की खुशबू इसमें आ जाएगी कुछ देर के बाद। तेजपत्ता मैंने पहले से इसीलिए नहीं डाला ताकि उसका ज़्यादा फ्लेवर ना आ जाए इसमें। और जो मैंने 2 इलायची रखी थी उसको खोल के उसका एक पाउडर बना लेती हूँ, कूट के उसको। फिर हमें जैसे चाहिए था वैसे उतना तक पक चुका है। अभी हमने इलायची पाउडर इसमें मिला लिया है। इसके बाद गैस को ऑफ कर लेंगे। इस तरफ हम खीर में तड़का लगाने के लिए गैस फिर से लगाएंगे इस तरफ। और हमने ये जो 1 स्पून घी रखा है इसको गर्म होने देते हैं, इसमें डालेंगे। तेज आंच पर घी जल जाती है, इसलिए हम लोग ये पैन गरम होने के बाद गैस को पूरा सिम करके पूरा कम करके घी को डालेंगे इसमें। और घी पूरा मेल्ट होने के बाद
थोड़ा गर्म लगे तो उसमें कटी हुई ड्राई फ्रूट्स को, पहले कैशू को धीमी आंच में फ्राई करेंगे। कैशू हल्की गोल्डन कलर की हो चुकी है, अब हम इसको खीर में डाल देंगे। इसके बाद आलमंड को फ्राई करेंगे, इसको भी इसे धीमी आंच पे धीरे धीरे फ्राई करेंगे। आलमंड भी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसको भी खीर पे डाल देंगे। घी बहुत ही ज़्यादा गर्म है, इसलिए इसकी हीट को पूरा इस्तेमाल करते हुए बिना गैस के चढ़ाए ही हमारी किशमिश फ्राई करेंगे, नहीं करेंगे बस हो गया। खीर को और थोड़े से हीट कर लेंगे, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। खीर में बस थोड़े से उबाल आने के बाद भी हम गैस को बंद कर लेंगे, और खीर को ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये हमारी खीर रेडी है, इसको गार्निश करने के लिए इसके ऊपर पतले कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। खीर इतनी खूबसूरत दिख रही है, ये पूरा रेडी है, इसको ठंडा करके लोग खा सकते हैं।